पहिया जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसका इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पर किसी न किसी तरीके से किया जाता है। पहिए की इजाद दुनिया में एक ऐसा इनकलाब था कि जिससे हर खासो आम इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा हुई। हजारों मील दूर का सफर हो या भारी भरकम सामान, इस पहिए ने इंसानी बोझ को ना सिर्फ खत्म किया बल्कि इसने जिंदगी को कई आसाइशें भी मुहैया की, जिसकी एक सादा सी मिसाल गाड़ी है जो हर इंसान की ख्वाहिश है। बात अगर वतन अजीज पाकिस्तान की करें तो दीगर मुमालिक की निस्बत पाकिस्तान में गाड़ी जैसी ख्वाहिश पूरी करना एक आम इंसान की पहुंच से दूर है, जिसकी एक बड़ी वजह माफिया का गठजोड़ और हुकूमती पॉलिसियों के साथ साथ टैक्सों की भरमार और कंपनियों की हठधर्मी को तसव्वुर किया जाता है। माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें आसमान को छूने की एक बड़ी वजह तीन बड़ी कंपनियों की अजारादारी है, जिसमें होंडा, सुजुकी और टोयोटा शामिल हैं। पाकिस्तान में इन तीन कंपनियों की अजारादारी की वजह क्या है? कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे के बाइस कितने लोग बेरोजगार हुए, ये भी आपको बताएंगे। बिग थ्री के नाम से जानी जाने वाली इन तीन कंपनियों की अजारादारी की बड़ी वजह पाकिस्तान में गाड़ी बनाने वाली दीगर कंपनियों का ना होना या महदूद पैमाने पर काम करना है। माहरीन और गाड़ियों का कारोबार करने वाले चंद अफराद का ये भी कहना है कि चूंकि पाकिस्तान की करेंसी मुसलसल डी वैल्यू रही है और हुकूमती टैक्सों में दुगना इजाफा इस इंडस्ट्री की तबाहकारी और कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बना है। बिग थ्री जो यहाँ पर काम कर रहा है उनकी जड़ें पंजे बहुत उन्होंने गाड़े हुए हैं यहाँ पर जाके। इतनी आसानी से इस माफिया को शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं है। इस माफिया को शिकस्त देने के लिए गवर्नमेंट को हमें एतमाद में लेना पड़ेगा, हमें बुलाया जाए, इनको भी बुलाया जाए और हम बताएंगे पैसा वो कमाएं, लेकिन वो इतना पैसा ना कमाएं कि गाड़ियां हमारी पहुंच से बाहर चली जाएं। 45 लाख रुपए की गाड़ी होंडा कर दी है, दो दिन पहले गाड़ियों का रेट लाख रुपये बढ़ा दिया है, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है और गाड़ियों के रेट ऊपर जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है, क्यों भाई? वजह हमसाए मुल्क भारत का जिक्र किया जाए तो करेंसी का गैर मामूली फर्क इस बात की तरदीद करता है। मिसाल के तौर पे सुजुकी ऑल्टो की बात की जाए तो इंडिया में इस गाड़ी की 8 मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में ताहाल इसकी सिर्फ 3 इकसाम ही मुतारफ कराई गई हैं, जिनकी कीमतों का तनासब कुछ यूं है। इंडिया में सुजुकी ऑल्टो की सबसे सस्ती कार की कीमत 2,95,000 है, जबकि पाकिस्तान में यही कार 3 गुना इजाफे के साथ 11,98,000 में मौजूद है। एयरबैग के साथ इस गाड़ी की कीमत 14,33,000 है। मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता और फुल ऑप्शन में मौजूद यही कार इंडिया में 4,36,000, जबकि पाकिस्तानी शहरी इस गाड़ी की कीमत 4 गुना जायद अदा करके 16,33,000 में खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया में ये गाड़ी दीगर 5 ऑप्शंस में शहरियों के लिए दस्तयाब है, जिनकी तफसील कुछ यूं है। पाकिस्तान में 3 गाड़ियों की ये कीमतें महदूद इकसाम और टैक्सों की भरमार से ना सिर्फ प्रोडक्शन में कमी देखने में आई बल्कि ये बेरोजगारी में इजाफे की बड़ी वजह बना। ये तो मीडिया का, सोशल मीडिया का, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आपके ज़रिए हमारी आवाज़ इन तक पहुंच जाए, इस इंडस्ट्री को भी ये उठाएँ। इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, लाखों रोज़ यहाँ से अपने घर पालते हैं और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देते हैं और गवर्नमेंट को यहाँ से सेल टैक्स की मद में कई मदाद में गवर्नमेंट को मुनाफा होता है। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल के साजो सामान की कोई सनद सिरे से मौजूद ही नहीं, जिसके बायस कंज्यूमर को खासी परेशानी का सामना रहता है। इस हवाले से एक्सपर्ट का कहना है, यहाँ एक इंजन नहीं बनता, यहाँ किसी गाड़ी की लाइट्स नहीं तैयार होती, सिर्फ ये सीट्स बना देते हैं, ये यहाँ पर टायर बना देते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री को ये फैसिलिटेट करे, यहाँ पर हमें कर्जे दे, यहाँ पर ऐसे ताजर मौजूद हैं जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। बजाते खुद मैं खुद जाता हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के किसी पार्ट के लिए गवर्नमेंट मुझे ऑफर करती है तो मैं इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार। टैक्सों के हवाले से बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन टैक्स, टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, नंबर प्लेट चार्जेस के बाद हर गाड़ी पर तकरीबन 10 लाख तक टैक्स, जो कि फी गाड़ी का 25% बनता है।
कीमतों के बाइस प्रोडक्शन में कमी से ना सिर्फ कारोबारी बल्कि कंज्यूमर समेत हुकूमत को भी नुकसान का सामना है। इंपोर्टेड और जापानी गाड़ियों के हवाले से माहरीन का कहना है कि हम करोड़ों रुपए देकर बाहर से लोहा खरीद रहे हैं, हुकूमत अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाए तो इसका मुस्तकबिल कुछ और होगा। इसको मैं ऐसे बताऊं, गवर्नमेंट यहां पर इस तरह जिम्मेदार है गाड़ियों को रेट बढ़ाने में कि हर गाड़ी के ऊपर 25% गवर्नमेंट सेल टैक्स लेती है। इसे यूं आसानी से समझ लिया जाए कि 40 लाख रुपए की गाड़ी पर 10 लाख रुपए तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। जब गवर्नमेंट एक 40 लाख की गाड़ी पर 10 लाख रुपए टैक्स लेती है तो उसके बाद अदारे फिर अपनी मर्जी से गाड़ियों के रेट आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट पहले 25% सेल टैक्स लेती है, फिर वो गाड़ी जो है हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, लाखों रुपया रजिस्ट्रेशन की मद में लेती है, फिर रीट्रांसफ़र होती है तो और पैसे लेते हैं, टोकन टैक्स की मद में और पैसे लेते हैं, टोल टैक्स की मद में और पैसे लेते हैं। हमें ये गाड़ियाँ जाकर इतनी कॉस्ट कीमत गाड़ियों सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब उसके लिए इम्पोर्ट इन्होंने बंद कर दी है और लोकल गाड़ियों का मैार बिल्कुल कमज़ोर और ज़ीरो कर दिया। बैंक्स भी आजकल गाड़ियां फाइनेंस नहीं हो रही हैं। आप फैसलाबाद इज़ अ बाइंग स्टेशन, यहां पर आकर कम से कम अगर आप टोयोटा, होंडा, सुजुकी इन तीनों का जाके आप रिकॉर्ड चेक कर लें, ऑडिटर से चेक करवा लें तो इनके यूनिट एक माह में तीनों के कम से कम 2 से 2500 यूनिट इस पूरे इलाके में ये सेल होते थे। अब कितने सेल हो रहे हैं? 70, 100, 50, 150, 400 गुना बिजनेस नीचे गिर चुका है। माहरीन के मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तानी मईशत में एक बड़ा हिस्सा रखती है। अगर इस इंडस्ट्री को बेहतर ना किया गया तो मजीद नुकसानात का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ महबूब अली, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।